मालेगांव भीमा में जाने वाले होकर क्या प्लान किया? देखिए पहले तो पुलिस जो है हमने प्रशासन से परमिशन की अपील की थी, कल वो अपील हमारी खारिज की गई, फिर हम लोग कोर्ट गए हैं। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष मेरे पीछे खड़े हुए दत्तापुर जी, वो कोर्ट गए। अब कोर्ट में कल 10 या 11 बजे तक हमारा डिसीजन आ जाएगा। डिसीजन आया तो हम सभा करेंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे। और अगर डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं आता है तो फिर हम जनरली जाके लोगों से जो भीम आर्मी की टीम उनसे मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। भारत में, आजाद भारत में मेरा अधिकार है, संविधान ने अधिकार मुझे दिया है, बाबा साहब बहुत पहले देके गए। उसका आर्टिकल 19 का उल्लंघन यहाँ पूर्ण रूप से हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जानबूझकर करते हैं तो फिर हमें अपने अधिकारों के लिए ताकत का प्रयोग भी करना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे, अपनी टीम से कहेंगे कि वो कहीं एकजुट हो, हम जाके उनसे बात करें। लेकिन कोरेगांव भीमा में आप जाने वाले हो, 1 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में आप शामिल होने वाले हो? बिल्कुल शामिल होऊंगा। वो बाबा साहब जाते थे वहाँ, बाबा साहब ने हम सब लोग कहा कि आप लोग वहाँ जाइए, तो बाबा साहब का बच्चा जरूर जाएगा। मेरे मैं ही नहीं जाऊंगा, आप देखना कि देश के करोड़ों लोग आएंगे वहाँ, और मैं जाऊंगा। मेरा तो प्रयास ये कि हम यहीं से पैदल मार्च करके जाएं वहाँ। लेकिन जो पुलिस बता, इस गवर्नमेंट के बारे में क्रिएट हो सकता है, जो कुछ भी रीजंस बताए जा रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा नहीं छोड़ा। देखिए पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। पिछली बार 1 जनवरी 2018 को जो भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस की जो 200वीं वर्षगांठ, उसमें जिन लोगों ने दंगा कराया, जिन पे आरोप था, जो लोग जेल भी गए, अब वो दोबारा भी तो करा सकते। पुलिस ने उनको क्यों नहीं नजरबंद किया है? पुलिस ने उनको क्यों नहीं जेल में डाला? पुलिस सिर्फ माहौल खराब करके हमें डराना चाहती है कि जिससे हमारे लोग वहां ज्यादा नहीं जाएं। बाबा साहब ने कहा था, मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके माध्यम से कि 1 तारीख को करोड़ों लोग वहां पहुंचे और अपनी ताकत का एहसास कराएं। बाबा साहब ने जो बात कही थी वो सत्य है। बाबा साहब ने जो कहा वो बिल्कुल, वो हमारे लिए बिल्कुल संविधान में जो लिखा हुआ है, बाबा साहब जो कहा वो हमारे लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है। हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं और संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानते मानने काम करते हैं। असर जी पिछली बार जब वहाँ पे हिंसा हुई तो पुलिस ने ऐसा कहा कि माओवादी उसके पीछे है, और जो अभी अरेस्ट है उसमें, उनका लोगों का कहना ये है कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, और जो लोग अंदर है उनकी आवाज आजाद जी बाहर से पहुंचाए। आपका क्या कहना है? मैं बस आपका ध्यान एक बात पे आकर्षित करना चाहता हूँ। वहाँ से एक उन्होंने कहा एक लेटर भी मिला है जी, जिसमें मोदी जी को हत्या का खतरा है। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसलिए क्योंकि अब की बार लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले। उन वो निर्दोष लोग हैं, उनको जानबूझकर गिरफ्तार किया गया, इसलिए ये माहौल देश में बनाया जाए कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री को खतरा है, खतरा यहाँ की इंसानियत को है, यहाँ बाबा साहब के बुद्ध धर्म को खतरा है, जिसको बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है देश। तो वो सब लोग निर्दोष लोग थे, इन्होंने तानाशाही नीति, जैसे मेरे ऊपर, मेरा क्या दोस्त था यहाँ के, बाबा साहब की समाधि पे शरम आनी चाहिए लोगों को। एक बच्चे को उसके बाप की समाधि पर जान से इन्होंने गेट से उठा लिया। ये क्या, ये माहौल हम खराब कर रहे हैं, ये लोग खराब कर रहे हैं, बोल तो ये लोग खराब कर रहे हैं। मैं अगर बाबा साहब की समाधि पर जाके 5 मिनट बैठ जाता, उसे नमन कर लेता, कौन सा माहौल खराब होता मुझे बताइए आप लोग। ये माहौल खराब करना चाहते हैं क्योंकि ये दंगों के दम पे राजनीति करते हैं। इस बार हम इनकी राजनीति का, इस दंगे वाला राजनीति का अंत करने वाले। तो पिछली बार जो दंगा हुआ जी, ये कहा जाता है एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी आपके पीछे है, ऐसे कहा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में प्रकाश आम्बेडकर का काफी प्रश्न बढ़ता हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको आगे लाके वोटों में कोई ना कहीं बंटवारा करने की ये कोशिश है, ऐसे भी एक पॉलिटिकल। लोग जो अपने आस पास देख रहे हैं ना, ये वोटर नहीं है, ये प्रेम करते हैं बाबा साहब की विचारधारा से, ये भीम आर्मी से प्रेम करते हैं। ये वो लोग, और ये वो लोग हैं देश का तख्ता पलट करते हैं। ये वो गरीब आवाम है जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। तो वो जो लोग ये बात कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं। उनका काम है गलत मैसेज आउटपुट करना, जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ हो जाए। हमारा काम है समाज में जो पीड़ाएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो होना चाहिए, जिसके ऊपर लड़ाई है, जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, मीडिया में भी बाबा साहब पे चर्चा होनी चाहिए, मीडिया में भी बहुजन महापुरुषों पर चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो हमें दुख है कि कहीं ना कहीं मीडिया भी सरकार से डरा हुआ है। तो उस डर को खत्म करने के लिए अभी हमने वादा किया है आप लोगों से, केंद्र की सरकार को तो हम गिराई देंगे। आपको मुंबई में मिलना है, मगर आपके पार्टी के नेते अभी तक मिलने नहीं आए, क्या लगता है इस सब? कौन सी पार्टी के? मतलब अम्बेडकर नेता जितेंद्र अवाड़ा है, कपिल पाटिल है, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के कोई नेते नहीं? नहीं, हमारी पार्टी तो, हमारे तो संगठन है भीम आर्मी, हमारी पार्टी कौन सी है? बाकी के दलित नेता के बाद आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा? 2019 फर्स्ट जनवरी 2019 आफ्टर कोरेगांव भीमा, व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी? मैं अपना एक काम कर रहा हूँ, और उसके स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि पूरे देश में जाकर हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, और उन गद्दारों
पेपर थे जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। आजक जी, कल पुलिस ने कहा है कि जो भैया कोरेगांव में शांतता भंग करेंगे उनको हम जाने नहीं देंगे। जब आपका नाम पुकारा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बोले नाम नहीं लेंगे लेकिन जो शांतता को ठेस पहुंचेंगे उन्हें जाने नहीं देंगे। तो फिर भी आप जाने वाले हो क्या? और जितना जोर होगा बाबा साहब के बच्चे लगाएंगे, वो हम देखते हैं, वो हमें पहुंचने देते हैं या हम जाते हैं। हम पूरी ताकत से जाएंगे, हमने जो कह दिया उसे करके दिखाने का तमाम लोग रखते हैं। जब तक वहाँ पे जाने आप तब तक पुणे ट्राई छोड़ेंगे क्या? पुणे में ही रहेंगे जब तक आपको वहाँ पे? अब ये यहाँ की टीम तय करेगी। मेरा हम भीम आर्मी का प्रोटोकॉल है, जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष यहाँ कहेंगे उसी नीति से काम। सर जी, कई बड़े सभा लेंगे सर, उनका बीमा में सभा भी लेने वाले क्योंकि काफी सारे दलित वहाँ पर आएंगे। 1 जनवरी को बहुत सारा क्राउड वहाँ पर होता है, तो क्या आपका भी ऐसा कोई प्लान है? देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ समाज का। तो जो समाज में जो जरूरी बात कहनी होगी वो जाके मैं कहूँगा। जो नेता सभा लेने वाले हैं वो उनकी अपनी वो पसंद है। मैं तो एक आम ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो 16 महीने जेल में रह के आया निर्दोष होते हुए। दोष सिर्फ इतना है कि संविधान को पूर्ण रूप से स्थापित करवाना चाहता हूँ देश में। किसी को मेरी वजह से कोई असुविधा है उसके लिए माफी चाहता हूँ।